संदीप जी, आपको AILF आकर कैसा लगा और आपका अनुभव कैसा रहा इस फेस्टिवल के संबंध में बताइए। देखिए, AILF में मैं इस बार दूसरी बार आया हूँ। मैं पिछले वर्ष भी आया था जब ये शुरू हुआ था ये पर्व, और ये मेरा दूसरा सफ़र है और मुझे बड़ा ही आनंद आया क्योंकि अहमदाबाद के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक तो मेरी ये मेरा सौभाग्य है, दूसरा AILF जैसे आयोजन मुझे हमेशा ही प्रेरित करते रहते हैं। भले मैं फिल्मों में लिखता हूँ लेकिन साहित्य से मेरा एक जुड़ाव है, और इस बार AILF में बहुत नए नए साहित्यकारों से मेरा परिचय हुआ और माहौल बहुत अच्छा था बड़ा। और अहमदाबाद में बहुत सारे प्रोग्राम थे, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और AILF में बार बार आना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका स्पेशल सेशन था इस कार्यक्रम में सफ़रनामा, जिसे दर्शकों ने काफ़ी सराहा, बहुत पसंद किया, लोगों ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की, तो इस संबंध में आपका कैसा फील रहा, कैसा अनुभव रहा वो बताइए। जब इस बार मेरी कार्यक्रम की योजना बन रही थी तो मुझे ये पता चला कि लोग जो है मुझसे मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो जर्नी नेट पे लिखी हुई है, विकिपीडिया है, लेकिन लोग मेरे मुँह से बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे और उनके पास बहुत सारे सवाल भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे इस तरह से कुरेदा कि मेरी बहुत सारी यादें खुद ताज़ा हो गई, जिन बातों को मैं भूल चुका था वो बातें फिर से सामने आई और मैंने उनके साथ अपने दिल की बातें बहुत शेयर की अहमदाबाद के लोगों के साथ। स्पेशली ये छोटे शहर से आकर कोई बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये एक विषय वस्तु ऐसी थी जिस पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा और लोगों ने बड़ा मज़ा लिया और मुझे भी बड़ा आनंद आया। आपकी फिल्म आ रही है DNA में गांधी जी, इसका जो शीर्षक है DNA में गांधी जी है, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, DNA में गांधी जी एक हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म है, इसके अंदर एक बड़ा मैसेज बहुत आसान तरीके से कहा गया है। क्या है, गांधी जी को मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी मानता हूँ, जिन्होंने सामाजिक सुधार के बहुत बड़े कार्यक्रम किए और बहुत ही आसानी से किए। उन्हें चरखा काटते काटते इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी और उन बातों को कुछ आज समाज में थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो रही है। और चूँकि मैं एक लेखक हूँ, फिल्मकार हूँ, मेरे पास फिल्म ही एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू मैं इन बातों को कह सकूँ, तो मैंने इनको बहुत ही सादगी से और बहुत ही सुलभ तरीके से पिरोया है फिल्म के अंदर कि हमारे DNA में गांधी जी है, मतलब गांधीवाद है, यानी सादगी, सच्चाई, ईमानदारी, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। तो इन बातों को मैंने अपने कहानी के प्लॉट में और कैरेक्टर्स के थ्रू कहने की कोशिश करी है। स्पेशली यूथ के लिए मैं इसको एक संदेश देना चाहता हूँ कि यूथ अगर गांधी जी को थोड़ा फॉलो करे तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में और आनंद भर जाए। अच्छा, आपकी दृष्टि में आज के समय में गांधी जी के जो विचार हैं युवाओं के लिए वो कितने सार्थक हैं, तो आप अपने विचारों से? गांधी जी के जो विचार हैं वो समय से परे हैं, वो हर काल में सार्थक हैं, आज ही नहीं हमारे बाद भी वो सार्थक रहेंगे। उनका जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो एक बैरिस्टर थे और वहाँ से आके जो उन्होंने चोला धारण किया, वो इतना बड़ा संदेश है उसमें सादगी। सादगी से अगर आप चलेंगे जीवन में तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ की सीमा हो सकती है, सादगी, सच्चाई, ईमानदारी की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो यही हमें गांधी जी ने सिखाया है और उनके आचरण में भी यही था। उन्होंने लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उन्होंने अलग से बहुत ज़्यादा प्रीचिंग नहीं की। वो जो कहते थे, मैं जो करता हूँ और जो करना चाहता हूँ वही औरों को मैं कहता हूँ, और उन्होंने फॉर्मली कम कहा, दिखाया ज़्यादा है। तो मैंने गांधी जी का कोई लेक्चर नहीं सुना, जो बातें मैं ये कह रहा हूँ सादगी, सच्चाई, मैंने इनको महसूस किया, इनको देखा। गांधी जी के कोई भी फोटो देखिए तो आपको दिखाई देगा एक संत जैसा आदमी, तो लगता ही नहीं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी। हर जगह क्रांतिकारियों का ड्रेस देखता हूँ तो उसने कहीं फौजी वर्दी पहनी हुई है, उसके हाथ में बंदूक है, कुछ है। गांधी जी का फोटो देख के लगता है एक संत है, एक महात्मा है, तो वो बात मुझे बहुत टच करती है। संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, काफ़ी धन्यवाद। संदीप जी, बेटी बचाओ के संबंध में आपका संदेश दीजिए। जैसे आज समाज में चल रहा है कि भ्रूण हत्या की जाती है, जांच करवाई जाती है, वैसे तो जांच करवाना गैरकानूनी सरकार की तरफ से किया गया है, पर जांच करवाने गैरकानूनी रूप से जांच करवाने के बाद पता चलता है कि गर्भ में बेटी का भ्रूण है तो उसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है, तो इस विषय में आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं सिर्फ विनती कर सकता हूँ, अगर हम अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे तो हम मिट जाएंगे।
प्लीज़ 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 मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी बेटियों को बचाइए। सिर्फ माँ की कोख में ही नहीं, उसके बाद भी कुरीतियों से, पिछड़ेपन से, अंधविश्वास से, अत्याचार से, अगर बेटियाँ हैं तो हम हैं।